बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा सरकार का बड़ा आदेश सामने आया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा सरकार का बड़ा आदेश देखा गया। एचसीएस अधिकारियों को ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा, 1 से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा। हरियाणा सरकार ने पत्र जारी कर निर्देश दिए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा सरकार का बड़ा आदेश सामने आया है। एचसीएस अधिकारियों को ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा, 1 से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा। हरियाणा सरकार ने पत्र जारी कर निर्देश दे दिए। हरियाणा सरकार की ओर से ये बड़ा आदेश देखा गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, एचसीएस अधिकारियों को ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा, 1 से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा। हरियाणा सरकार ने पत्र जारी कर निर्देश जारी कर दिए। हरियाणा सरकार की ओर से यह बड़ा आदेश देखा गया। हरियाणा सरकार ने एचसीएस अधिकारियों को ऑनलाइन ब्यौरा देने के लिए निर्देशित किया है। इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, हरियाणा सरकार का बड़ा आदेश देखा गया है, सीएस अधिकारियों को ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा, क्या कुछ है पूरी जानकारी? हाँ, देखिए, हरियाणा सरकार ने मुख्य सचिव कार्यालय में एक आदेश जारी किया है और इस आदेश में प्रदेश के जो हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारी हैं उनको उनकी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन भरने के लिए कहा गया है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एचसीएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का जो ऑनलाइन ब्यौरा है वो भरना होगा। इसके लिए हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय ने आदेश जारी किए हैं। दरअसल जब मार्च का महीना आता है उस वक्त जो एक रिटर्न भरने का समय होता है, इस दौरान पत्रिस के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो है वो उनका संपत्ति का ब्यौरा जो है वो देना होता है। और इसी कड़ी में ये आदेश जो है वो एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर 29 मार्च को जो वो जारी किया जाता है और सूचित इस तरीके से अधिकारियों को किया जाता है कि वो आने वाले 1 महीने में यानी पूरे अप्रैल के महीने में अपनी जो संपत्ति है उसका ब्यौरा जो है वो दे। जी, हरियाणा सरकार का ये बड़ा आदेश देखा गया। हरियाणा सरकार ने एचसीएस अधिकारियों को ऑनलाइन ब्यौरा देने के लिए निर्देशित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सिवर जी तमाम जानकारी के लिए। 1 से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा, हरियाणा सरकार की ओर से पत्र जारी कर ये निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार का ये बड़ा आदेश सामने आया, एचसीएस अधिकारियों को ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 1 से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा। हरियाणा सरकार की ओर से यह बड़ा आदेश सामने आया है, एचसीएस अधिकारियों को ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने है, 1 से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा।